आई थिंक वो दैट बारिश वाला जो सीक्वेंस था वो जो हमारा सीक्वेंस था वो बहुत ही टफ था, क्योंकि लास्ट में हम लोग शूट कर रहे थे इसे ऑलरेडी बहुत एग्जॉशन हो चुका था, सब लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे और पूरी म्यूजिक वीडियो कैसे ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं, मतलब ऐसा था कि पूरे दिन हम लोग दो दिन जो शूट किए ना दोनों दिन ऐसा था कि हमें इमोशंस में ही रहना है ताकि कोई भी इमोशन गलत ना फील हो, या फिर क्योंकि इसमें म्यूजिक वीडियो में आप बोलते नहीं हैं, आप अपनी आंखों से ही बयान करते हैं, अपने एक्ट से ही बयान करते हैं और गाने की जो लिरिक्स होती है वो प्रॉपर आपके इमोशंस और लिरिक्स मिलने चाहिए। सो आई थिंक हम सब लोग इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस थे, शूट उस तरह हमने किया और उस तरह टाइम लिया, बट लास्ट में ऐसा था कि बारिश हो रही थी और इन्होंने जो लहंगा पहना हुआ वो लहंगा इतना इनका भारी था, and oh my god it was 25 kg ka lehenga and upar se barish ka sequence and mujhe covid jab hua tha uske baad mera weight bhi badh chuka tha to mera weight lehenge ka weight aur barish se aur bhari ho gaya wo I don't know how he picked me up and usme problem ye thi ki itni bhari cheez ko uthate to aapki nase tan jati hai, aapke you know facial expressions change ho jate hai, aisa ho jata hai, but usme mujhe ekdam aisa rehna tha। जितनी गर्मी थी वहाँ पे रात में उतनी ठंडी हो चुकी थी और उस भीगने के बाद जो इनकी हालत थी शी वाज़ तो कंटीन्यूअसली शिवरिंग। आई वाज़ शिवरिंग, यस यस, मेरी हाल, आई वाज़न्ट एबल टू टॉक, इट वाज़ दैट बैड, बट यस, चलो, यू नो, एट टाइम्स वी फील गुड आफ्टर यू नो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट वी गेट फ्रॉम द फैम, तो देख के लगता है कि चलो ये जो भी सहन किया हमने शूट के दौरान इट वॉज वर्थ इट बिकॉज एवरीबडी एंजॉयड इट, एवरीबडी लव्ड इट, यस। So you know, दुल्हन बनकर क्या फील किया आपको, अगर क्योंकि वो ब्यूटीफुल आप आउटफिट में है तो अगर आपको बता सके। वेल मुझे ना टू बी ऑनेस्ट मुझे बचपन से दुल्हन बनने का बहुत शौक़ रहा है, ऑल्सो मुझे शादी भाग के करने का शौक़ है, तो मुझे और शादी भाग के करने का शौक़ है, यस, यू नो खतरनाक चीज़ें करनी है लाइफ में, बट येस डेफिनेटली वो जोड़ा पहन के ना यू नॉट यू, यू नो यू फील लाइक अ डिफरेंट गर्ल, यू फील लाइक अ वुमन, यू फील रिस्पॉन्सिबल एंड इट वॉज अ वाइब, मुझे सरियल लग रहा था ये सब। लहंगा पहनने का प्लान कैंसिल भागने का, वेल ऑफ कोर्स लड़का तो था नहीं तभी जिसके साथ भाग सकूं, शूट करना था, मरने वाला सीक्वेंस करना था, बट नहीं, इट वॉज अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड या बहुत अच्छा लगा। चलिए, क्योंकि आपने अनाउंसमेंट आज कर ही दिया है कि भाग के शादी करना है, तो तकरीबन कितने सालों में हम देखेंगे आपको कि रिट्स जी? पता नहीं, जब लड़का मिल जाएगा तभी बिना बोले आपको दिख जाएगा भागने वाले शॉट्स। कहने की भाग के शादी, रितिका बदगारे ने की भाग के शादी। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो के साथ साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज भी लोग दे रहे हैं स्टोरी के साथ में, जैसे कि ये देख रहे हैं एक स्टोरी है अभी आप देखेंगे काफी ऐसे मीनिंगलेस सॉन्ग्स बन रहे हैं, मैं ऐसे नाम तो नहीं लूंगा, बट मतलब कुछ भी स्टोरीज नहीं होती हैं, कुछ भी वर्ड्स होते हैं, समथिंग है, एक बीट होती है और उस पर लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो हमारा मेन एम यही है कि हम जो हैं थोड़ा सा लिरिकली स्ट्रॉन्ग रखें, कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा रखें और जो लोग म्यूजिक वीडियो देखें उनको समझ में आए, वो चीज़ वो फील करें जो आज की थोड़ा सा म्यूजिक के सॉन्ग आप एनी टाइम आप प्ले करो आपको अच्छे लगते हैं, बिकॉज उसमें लिरिक्स होती है, उसमें यू नो यू फील कनेक्शन होता है, कनेक्शन फील होता है। आज भी मैं जब भी मैं यू नो ऐसे खाली बैठा रहता हूँ तो मैं 1980s के ही गाने सुनता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे लगते हैं वो, उनके लिरिक्स इतने प्यारे होते हैं, उन्हें गाया इतने अच्छे से गए, तो ऐसे गाने आई थिंक मुझे लगता है बहुत कम बनते हैं। एंड आई थिंक बी लाइव इज डूइंग दैट, देयर नॉट यू नो जस्ट स्निप स्नैप में एक सॉन्ग बना लिया, देखिए दे टेकिंग टाइम, इफ यू लिसन टू द लिरिक्स, इफ यू लिसन टू द होल ऑडियो, इट्स सो स्ट्रांग, देन दे आर सुपर ओरिजिनल, सो दैट्स अगेन अनदर थिंग दैट आई फील दैट बी लाइव इज गिविंग ग्रेट ऑडियोज आउट देयर। आज भी जिस तरह से ये म्यूजिक वीडियो बनाया गया है, कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है, आई थिंक हम ऐसी खबरें देखते रहते हैं, तो उन लवर्स को कुछ कहना चाहेंगे आप लोग, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? Well, I would definitely want to say that because वो जो पर्टिकुलर सीन था व्हेन आई डिड इट, तभी यू नो यू जस्ट यू आर जस्ट एक्टिंग,
कुछ लोग होंगे जो ये सारी चीज़ों के थ्रू गए होंगे. तो आई काइंड ऑफ कुड फील अ लिटिल बिट ऑफ पेन, बट ऑल्सो आई थिंक वी ऑल वुड लाइक टू टेल यू ऑल दैट आप भले प्यार में अंधे हो जाते हो, बट प्लीज़ डोंट टेक एनी हेस्टी स्टेप्स. टॉक इट आउट विद द फैमिली, कुछ बातचीत कीजिए. डोंट टेक कोई भी टाइप का स्टेप प्यार में, बिकॉज कोई चला जाता है लेकिन फिर फैमिली एंड जो रह जाता है दे गो थ्रू द मेस फॉर लाइफ. आई थिंक रितिका इज एब्सोल्युटली राइट. अगर आपके दिल में आपके जहन में ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ गो टॉक टू योर फैमिली, अपने दोस्तों से बात करिए, हिम्मत जुटाइए, बिकॉज सुसाइड करना इज नॉट एन ऑप्शन. वो कभी थॉट आने नहीं चाहिए आपके माइंड में, आपके दिमाग में, कि मेरा अगर किसी भी कपल गए दो लव बर्ड्स हैं उनका प्यार काम नहीं कर रहा आगे चल के या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन. आप लोग बात करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है फैमिली की, कि जो फैमिली है दे शुड लिसन टू देम, यू नो, उनसे बात करें, उन्हें समझाएं, ना कि उन्हें डांटें मारें या फिर उन्हें ऐसा फील कराएं कि उनका कोई है नहीं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द फैमिली, फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस चीज़ से के लिए यू नो कम्फर्टेबल रहें और बात करें, और जिसके अंदर जो इस चीज़ से गुजर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इतनी हिम्मत जुटाए कि वो बात करने के लिए खड़ा हो. अब इन दोनों ने सब कह दिया है, मैं भी बिल्कुल इन चीज़ों के सपोर्ट में नहीं हूँ कि आपको जो प्यार करते हैं इतना सब कुछ और आप किसी और से प्यार करते हैं और आपको ऐसा कुछ लगता है कि हाँ वो हमें लाइफ में नहीं मिल पा रहा और इस टाइप के कदम उठाते हैं, तो हम बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं. हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ फैमिलीज़ को भी हम कहेंगे कि अगर आपके बच्चे किसी को पसंद करते हैं या समथिंग, तो प्लीज़ उस पर फोकस करिए और देखिए कि उनकी चॉइस अच्छी है और उसके साथ वो रहना चाहते हैं, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए आई थिंक पेरेंट्स वगैरह. सिद्धार्थ जी, क्योंकि मैडम ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, तो आप बताइए कि आपको भी हम देखेंगे ऐसे भाग के शादी करते हो? मुझे अपने पैर नहीं तोड़वाने हैं मम्मी से, पहले मैं भाग रहा हूँ, पीछे से चप्पल उड़ते हुए आ रही है मेरे पीछे मम्मी की. सो आई डोंट थिंक सो, मेरा ऐसा कोई प्लान है भाग के शादी करना. आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन बट स्टिल आई डोंट नो. रोना ही पड़ेगा. गिटार 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 आज आप बजा लीजिए. गिटार गिटार आज आप बजाइए, मैं नहीं बजाता. आज मैं गा लेता हूँ. आज आप गा लीजिए. नहीं नहीं बाजू में ही रखा हुआ है, एक एक सेकंड. क्या पूछ लीजिए, इधर कोई है ही नहीं. क्या बॉडी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सॉन्ग नहीं आप लोगों ने सुना है?